नमस्कार, मैं ज्योति आप सभी का न्यूज़ गैलरी पर स्वागत करती हूं। दरअसल इस वक्त मैं स्वामी नारायण में मौजूद हूं, जहां पर हमारे साथ कुछ लोग हैं, तो चलिए इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? भीखा भाई। भीखा भाई जी, क्या लग रहा है, किसका माहौल चल रहा है इस बार गुजरात में? भाजपा ही चलेगा। भाजपा ही चलेगा? भाजपा ही चलेगा। आम आदमी पार्टी ने प्रचार तो कई सारे करे, चाहे कोई भी प्रचार करे, आएगा तो भाजपा ही आएगा। क्यों आएगी भाजपा? बस अच्छे काम है उनके, बहुत ही अच्छे। क्या क्या अच्छे काम है? लोग कह रहे हैं महंगाई कर दी है। महंगाई तो अभी महंगाई है तो पगार भी बढ़ते हैं ना, क्या कम है तो पगार भी बढ़ते ही है ना। क्या कुछ काम गिनाई है भाजपा के? भाजपा के रोड अच्छे अच्छे बनाए हैं, छोटे छोटे गांव के अंदर सब अच्छा अच्छा करा है, तो सब अच्छा किया है भाजपा ने। भाजपा ने अच्छा तो किया है पर लेकिन भाव बढ़ गया है, ऐसा है। सब खाने पीने की चीज़ों में भाव बढ़ गया है, और सोने चांदी का भाव अब सपना हो गया है। छोटे नाना माणसों माटे सपनों थी गयू है, एक घर मकान अत्यार मकान लेवा जाए तो मकान 18-20 लाख रुपया नीचे नहीं मिलता। 18-20 लाख रुपया मकान, अत्यार जो 5-5 लाख रुपया मकानों मिलता था, 18-20 लाख रुपया मकानों मिले। एट मतलब एट आम आम सारू है एवं नहीं, हिंदी ये अच्छा है ऐसा नहीं है, पर लेकिन सामने कुछ छोटे लोग उनको सपना ही है, सोने चांदी खरीदने के लिए मकान खरीदने के सपना ही है, सपना ही रहेगा। कह रहे मेट्रो बना दिया आप लोगों के? मेट्रो तो बना दिया, मेट्रो के अपने के छोटे माने छोटे चीज छोटे मानसों माटे नहीं, ये तो मोटा मोटा माटे माटे जेने जेने आवक आवक होय एना माटे छे बधुं। जे नाना माणसो जे झूपड़ू लईने बैठा छे, गुजराती तो बड़े खुश हैं जब से बीजेपी है। बीजेपी तो अच्छा है ऐसा नहीं है, पर जे छोटे लोग है इसके लिए कुछ करना पड़ता है। तो क्या करना चाहिए इनके लिए? कुछ सोचो, मेघवारी कम करे, या तेल का डब्बा अभी 3000 के ऊपर है, और सोने चांदी का 50,000 पाव, चांदी का 60,000 पाव, क्या लेंगे? विकास हो रहा है तो महंगाई तो होगी ना। विकास गैस का सिलेंडर नहीं ले सकते अभी गरीब लोग, वापस चूल्हा जलाने लग गए। 1200-1250 रुपए में ब्लैक में बाटला बिल बिक रहा है, लोग बाग वापस बाटले को बंद कर दिया, वो मोदी सरकार ने दिए, गरीब वापस चूल्हा जला रहे हैं। 1200-1250 रुपए कहाँ से लावे? वापस चूल्हा जलाने पे मजबूर हो गए हैं। ऐसी बात, सिलेंडर भी दिया तो किस काम का? सिलेंडर दिया तो किस काम का, उसको क्या अगरबत्ती करे अभी? बताइए अगरबत्ती कर लो उसकी। अरे फिर से भाव कम कर दो बाटले का और अच्छा रहेगा, बीजेपी आना चाहिए बस। आपको भी यही लगता है बीजेपी आए? बीजेपी आए या कांग्रेस आए, हमारे लिए तो कोई फायदा है नहीं, गरीब लोगों का क्या फायदा है? कोई बीजेपी ने अभी तक कोई फायदा किया है या कांग्रेस ने फायदा किया है? सड़कें बना दी है, मेट्रो बना दी है, मेट्रो बना दी है। अब हमको तो गरीब लोगों को तो इसमें कुछ रहा नहीं है, सब पैसे वालों के लिए ही है। हम लोगों के लिए भी कुछ करें सरकार, कि भाई गरीब लोगों के ऊपर ध्यान देवे। क्या क्या करवाना चाहते हैं? अब क्या करवाना चाहते हैं, सबसे पहले तो यही है, गरीब इंसान मजदूर लोगों का मजदूरी बढ़ाया जावे। जिस तरह से ज़माना आगे बढ़ रहा है उस तरह से बेचारा मजदूर 250-300-400 रुपये मजदूरी कर रहा है, उसका ही कम से कम 700-800 रुपये मजदूरी हो तो वो भी लोग आगे बढ़े, कुछ खरीद सके, कुछ अच्छा अपने बच्चे बच्चा का पालन कर सके, पढ़ाई करवा सके। 300-400 रुपए में भी क्या होता है, रूम भाड़े लोग अर्धे भर देते हैं, अपने बीवी बच्चे मैं कितनों को देख रहा हूँ, स्कूल में नहीं जा रहे, वैसे सरकारी स्कूलें खुला रखे दूर दूर से, पर क्या फ़ायदा इसमें? बच्चे सरकारी स्कूल तो मुफ्त है, उसमें चले जाइए। सरकारी स्कूल मुफ्त है मैडम, लेकिन यहाँ से 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर कौन दूर है, तो वो तो यही है ना। सरकारी स्कूलों में भी मतलब कोई रहा नहीं है, वैसे पढ़ाई वढ़ाई है नहीं है मैडम, मेरे भी 5-3 बच्चे हैं, मैं उनको भेज रहा हूँ लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है, पढ़ाई में अनलिमिटेड है पढ़ाई में। रोजगार पे क्या कहेंगे? रोजगार में तो क्या है मैडम, कुछ नहीं है, सब ऐसा ही चल पड़ा हुआ है ठप। जब से लॉकडाउन हुआ है तब से सबकी, गरीब लोगों की हमारी तो परिस्थिति खराब है मैडम। जब से लॉकडाउन हुआ तब से वापस 2-4 महीने गाँव रह के आए राजस्थान, उसके बाद वापस आए, अभी तक हमारा कुछ हुआ नहीं। जब से 70,000 रुपये जो कर्जा हुआ वो 70 से 1-1.5 लाख तक पहुंच गया, ब्याज समेत ब्याज गिन के। और अस्पताल की व्यवस्था कैसी है यहाँ? अस्पताल की व्यवस्था तो मैडम है वैसे ही है, लेकिन अब गरीब लोग उसमें जा फंसते हैं तो उसमें उनका ध्यान केंद्रित होता ही नहीं है, उनका ध्यान देते ही नहीं, जिनका ध्यान होता है पैसे वाले होते हैं उनका ध्यान होता है, गरीब लोग बेचारा वैसे। बदलाव चाहिए या नहीं? बदलाव तो मैडम बदलाव होना ही चाहिए, बदलाव में तो क्या बदलाव पे भरोसा है, कौन सी पार्टी पे? मैडम ऐसी तो हमको किसी पार्टी पे भरोसा नहीं है कि भाई हमारा वो पार्टी आवे अच्छा करेगी, वो पार्टी आवे अच्छा करेगी। पार्टी लूटा है,
जो गरीब के हित की हो, गरीब को, गरीबों के बारे में सोचे, ये मुंगवारी को हटाए बस। महंगाई हटनी चाहिए। देखिए यहाँ पर गुजरात में ज़्यादातर जो हमें देखने को वो मिला है वो मुद्दा महंगाई का ही रहा है। पता नहीं, अब नहीं पता दूध के दाम क्या चल रहे हैं अब बाजार में, पता होगा हमको, हम नेपाली हैं। हाँ। पता नहीं, अब महंगाई नहीं लग रही मुझे, लग रहा है गुजरातियों को महंगाई तो बहुत नड़ती है, क्या करेंगे मैडम, लग रही है, लग रही है, अपन क्या करेंगे, कुछ फायदा नहीं है, बोल के कुछ मतलब नहीं है। बदलाव करिए, आपके हाथ में वोट है, कुछ नहीं होने का वोट है, सब मशीन पे फिरता है, कंप्यूटर पे चाहे वो कर सकते हैं, मतलब वोट किसी और को दे रहे हैं, जा कहीं और रहा है, सब ऐसा ही चल रहा है, अभी कुछ चलने का नहीं है, ऐसा ही चलेगा। तो आप देखिए कि CNG, अगर ऑटो वाले से खास तौर पर बात करें तो CNG के रेट तो 80 रुपये हो गए हैं, कमाई 500 है, 200 तो भरवाने में चली जाती है, 300 में इंसान घर चलाए तो चलाए कैसे।